ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमले किए हैं। वहीं दूसरी ओर इसराइल और अमेरिका के बीच जवाबी कार्यवाही के लिए बातचीत जारी है। जानकारों की माने तो इस टेंशन की वजह से कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार जा सकते हैं। ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर इसराइल भी ईरान पर हमले करता है, साथ ही अमेरिकी सरकार ईरान पर प्रतिबंधों की छड़ी लगाती है, तो कच्चे तेल के दाम भी रॉकेट हो जाएंगे। जानकारों की माने तो पहले ही कच्चे तेल की समस्या और प्रोडक्शन दोनों देशों की समस्या थी। अब मिडल ईस्ट की टेंशन में ईरान का उतरना और भी ज़्यादा क्राइसिस पैदा करने वाला है। अब दुनिया के उन तमाम देशों को महंगे कच्चे तेल के लिए तैयार रहना होगा जो अपनी ज़रूरत का 80% से ज़्यादा इम्पोर्ट पर डिपेंड हैं, जिसमें भारत और चीन का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। कच्चा तेल महंगा होने से ऐसे देशों में महंगाई में बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ईरान के इसराइल पर हमला करने से किस तरह के आर्थिक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल के दामों में तेजी आएगी। मिडल ईस्ट में टेंशन अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ईरान ने इसराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइल भी जवाबी कार्यवाही कर रहा है, साथ ही अमेरिकी सरकार के साथ बड़ी कार्यवाही करने के लिए बातचीत भी कर रहा है। ऐसे में अमेरिका ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने जैसी कार्यवाही कर सकता है जो पहले रूस पर की थी। अमेरिका ईरान को तेल पर भी प्रतिबंध लगा सकता है, जो कि बड़ा कदम होगा। ईरान ओपेक का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। अगर ईरान ने तेल पर प्रतिबंध लगाया तो दुनिया में तेल संकट चरम पर पहुंच जाएगा। एकदम से कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जैसे कि यूक्रेन और रूस वॉर के दौरान देखने को मिला था। कच्चे तेल की कीमत अगर $100 प्रति बैरल पहुंच जाती है तो दुनिया के उन देशों में फ्यूल की कीमतों में इजाफा होगा जो अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं। अगर बात भारत की करें तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल इंपोर्ट करता है। ऐसे में इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में इजाफा होगा तो देश में पेट्रोलियम कंपनी को महंगा कच्चा तेल खरीदना होगा, जिससे पेट्रोलियम कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ऐसे में उन्हें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करना ही पड़ेगा। अगर कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल हो जाते हैं तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा ज़रूर देखने को मिल सकता है। मुमकिन है कि चुनावी नतीजे आने तक कीमतों में कोई बदलाव न देखने को मिले, लेकिन जून के पहले हफ्ते के बाद पेट्रोलियम कंपनी सख्त कदम उठा सकती हैं और तेल और पेट्रोल की कीमतों में एक अच्छा खासा इजाफा कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पोस्ट न्यूज़।